अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वो ये है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव ओरिजिन पे क्या होता है। अब देखो, नॉर्मली अगर कोई आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब उसमें कोई गैप नहीं आए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेंजेंट का होता है, अगर आप टेंजेंट का देखो तो यहाँ पे गैप होता है। नेक्स्ट अगर टेंजेंट इस तरह ड्रॉ होगा, इस टाइप का चल रहा होता है टेंजेंट का, तो अगर आप देखो तो ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस ग्राफ ये होता है कि आपने बस पेन उठाए बगैर आप पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखो ना तो वो कंटिन्यूस है, मतलब एक वी शेप बन रही होती है, इस टाइप का ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब ऐसी क्या वजह है कि मॉडुलस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैथमेटिकल प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअल आपको बता देता हूं कि जो डेरिवेटिव है इसके बारे में आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। मतलब किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो बेसिकली उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन बनाओ तो वो उसका स्लोप आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है। अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि यार आप ओरिजिन पे डेरिवेटिव निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन पे आप एक टेंजेंट लाइन बनाओ, जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो बेसिकली डेरिवेटिव होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट पे मैं आपको बोलूं कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट लाइन बनाओ, जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वही बेसिकली डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव आपको किसी भी पॉइंट पे बताता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है। अब देखो, दो किस्म के फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने बनाए हैं, एक होता है जिसमें स्मूथ होता है, स्मूथनेस होती है, और एक होता है जिसमें स्मूथनेस नहीं होती, कॉर्नर निकला हुआ पूरा, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे इस कर्व पे स्लोप बताना है, डेरिवेटिव बताना है, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट पिक करूं तो डेरिवेटिव क्या होगा? इस टेंजेंट लाइन का स्लोप। अगर मैं ये पॉइंट पिक करूं तो डेरिवेटिव क्या होगा? इस टेंजेंट लाइन का स्लोप। अगर मैं ये पॉइंट पिक करूं तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? इस टेंजेंट लाइन का स्लोप। हर चीज स्मूथ चल रही है, आसानी से टेंजेंट लाइन बना रहे हो। लेकिन अगर आप इस फंक्शन की बात करो, इस फंक्शन में इस पॉइंट से पहले, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप टेंजेंट लाइन बनाओ तो बेसिकली टेंजेंट लाइन इस तरह बनेगी, टेंजेंट लाइन बेसिकली टच करके जाती है ना, तो टेंजेंट लाइन इस तरह बन रही होगी और उसका आंसर माइनस वन आ रहा होगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट लाइन बनती है ना ये स्लोप माइनस वन होता है इस लाइन का। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आप पॉइंट पिक कर रहे हो और यहां पर टेंजेंट लाइन बना रहे हो तो टेंजेंट लाइन इस तरह बनेगी, इधर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा? वन के बराबर। तो इस पॉइंट से पहले अगर आप यहां पे जाओगे तो डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव वन होगा, क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इस पॉइंट से पहले टेंजेंट का स्लोप माइनस वन है तो डेरिवेटिव भी माइनस वन होगा। अच्छा, इस पॉइंट के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, वन है, इसका मतलब डेरिवेटिव भी वन होगा। इस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव क्या है? वन है। तो झगड़ा तो इन पॉइंट का है ही, झगड़ा किसका? इस पॉइंट का। अब यहां पर क्या हो रहा है? देखो, यहां पर कॉर्नर है, एकदम से आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, इससे नुकसान क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं इस पॉइंट पे आप मुझे टेंजेंट लाइन बना के दो, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इस तरह भी बन सकती है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इस तरह भी बन सकती है, भाई टच करके जाना है ना, तो ये वाली लाइन भी टच कर रही है इसको, इसी तरह ये वाली लाइन भी टच कर रही है। यहां पे आप देख सकते हो मैं इस तरह भी टेंजेंट बना सकता हूं, ये देखो ये लाइन जो है टच करके जा रही है ओरिजिन पे, मैं इस तरह भी टेंजेंट लाइन बना सकता हूं। अच्छा, मैं दरमियान में बना सकता हूं, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर भी बना सकता हूं। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल वाइज देखो तो जब आप एक साथ इस तरह का चेंज आता है ना, कॉर्नर आता है, तो उस पर आप बहुत सारी टेंजेंट लाइन बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है वो इंडिटरमिनेट का केस हो गया ना, कि बहुत ज्यादा आपके आंसर आपको क्या पता एक्चुअल आंसर क्या होगा, जबकि जो स्मूथ फंक्शन होता है इसमें ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाऊंगा तो मैं इसी तरह बनाऊंगा, मैं हल्का सा भी चेंज कर दूंगा ना एक इंटरसेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइप की लाइन बना रहा हूं तो अब तो ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो टेंजेंट लाइन नहीं मानी जाएगी। तो यहां पे आप एक बात सीखी, अगर फंक्शन आपका स्मूथ है तो डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट कर। अच्छा, कंटिन्यूस दोनों है, दोनों कंटिन्यूस है, कोई इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, दोनों कंटिन्यूस है, लेकिन यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हर पॉइंट पे, इधर जो है वो डेरिवेटिव जो शार्प कॉर्नर निकला हुआ ना यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब इसी चीज को आप मैथमेटिकल अंदाज में समझते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल वाइज तो आपने देख लिया, मैथमेटिकल वाइज देख लो कि डेरिवेटिव मॉडुलस फंक्शन का जीरो पे एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो हम जरा एक मॉडुलस फंक्शन कंसिडर किया है हमने, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा देखो, मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हो, इस चीज को याद रखो कि मॉड एक्स जो है वो बराबर होता है रूट एक्स स्क्वायर के। इसी चीज को आप बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी प्रूव कर सकते हो, बुक में आप लोगों के लिखा होगा सेकंड ईयर के, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज इजी मेथड करवा रहा हूं ताकि बात आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैं बताना चाह रहा हूं कि जीरो पे मसला क्या हो रहा है।
तो फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स जो है बराबर होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर के, फिर कभी डिस्कस करेंगे क्यों आपस में बराबर होते हैं। तो आप मॉड एक्स की जगह पे ये लिख दो, एक ही बात है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, किस तरह डिफ्रेंशिएट करोगे भाई? स्क्वायर रूट को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है 1/2, जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन है एज इट इज कॉपी करो। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन को स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हो। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा एक्स, नीचे है मॉड एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, जो कि अगेन आप लिख दो किसके बराबर, मॉड एक्स के बराबर होता है। तो यहां पे आपने देखा कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसका ये डेरिवेटिव होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात ही गलत है। मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन जीरो पे नहीं एग्जिस्ट करता, जीरो पे मसला है। जीरो के अलावा बात करते हैं, ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना ये पीस वाइज फंक्शन होता है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो पीसेस में टूटा हुआ है, ये मॉड एक्स बराबर होता है एक्स के या ये मॉड एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के। डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं सिंपल आपको एक बात बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर पुट करते हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा होता है, मतलब जो आपने वैल्यू पुट की वही आंसर आ रहा होता है। यहां पे मॉड एक्स आंसर क्या होगा, वही एक्स होगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव पुट करो या अगर आप जीरो पुट कर रहे हो तो जो आपने वैल्यू पुट की है वही आपका आंसर आ रहा होता है। जबकि अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करो, अगर आपने एक्स लेस देन जीरो मतलब कुछ नेगेटिव पुट किया है, तो मॉड एक्स का आंसर किसके बराबर होता है, माइनस एक्स। मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपने पुट की है ना एक्स उसका नेगेटिव ले लो यहां पे। तो मैंने माइनस फाइव पुट किया ना, माइनस फाइव का नेगेटिव क्या होता है, फाइव। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू पुट करो फॉर एग्जाम्पल माइनस टेन, तो भाई मॉडुलस फंक्शन ये कहता है जब भी आपको ऐसी वैल्यू पुट करो जो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो, तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर को मतलब जो आपने पुट किया है ना इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, टेन। ये रीजन है जिसके तहत आप लोग ये चीज लिखते हो कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर नेगेटिव पुट करो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पुट करो तो भी पॉजिटिव, ये रीजन होती है उसकी, ठीक है। बारह ये तो आपने देख लिया थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब किसी और वैल्यू पे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो टू पे, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह टू पुट करोगे, नीचे भी टू। भाई मॉड टू क्या होता है, टू के बराबर आंसर बना देगा। इसी तरह मैं बोलता हूं भाई आप डेरिवेटिव निकालो एट 10, तो वही काम करोगे 10 पुट करोगे, नीचे मॉड 10, अच्छा 10/10 आंसर जो है 1 के बराबर हो जाएगा। पॉजिटिव में आपने देख लिया, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करो आंसर बना रहे हैं इसका, ठीक है। अच्छा अब हम कोई पुट करते हैं नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आप -10 पुट कर रहे हो, तो आंसर ऊपर भी -10 पुट कर दो एक्स की जगह पे, नीचे भी एक्स की जगह -10 पुट कर दो। ऊपर -10 नीचे -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होती है, आंसर -1 के बराबर है। आप ये ऑब्जर्व करो कोई भी नेगेटिव नंबर आप पुट करोगे इसके अंदर, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कोई भी नेगेटिव नंबर यहां पे पुट करो इसका डेरिवेटिव जो है -1 के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, मॉडुलस फंक्शन के डेरिवेटिव का, तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो आंसर जो है वो हमेशा 1 आ रहा है, इस टाइप की लाइन होगी। आप इस फंक्शन के अंदर 1 पुट कर दो आंसर 1 आएगा, आप इस फंक्शन में तो 2 पुट करो आंसर 1 आएगा, मतलब ये वाले सारे पॉइंट आ रहे हैं। 1 पुट किया y भी 1, 2 पुट किया y भी 1, 3 पुट किया y भी 3। और अगर आपको नेगेटिव पुट करो तो आपके पास आंसर -1 आएगा। फॉर एग्जांपल आपने -1 पुट किया आंसर -1, -2 पुट किया आंसर -1, -3 पुट किया आंसर -1। तो ये तो मसला ही नहीं है, आप आसानी से मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब मसला असल क्या है, मसला ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप डेरिवेटिव निकालो ओरिजिन के ऊपर, तो ओरिजिन के ऊपर क्या होगा, अगर आप इस फंक्शन के अंदर जीरो पुट कर रहे हो तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का तो आंसर निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास भाई लिमिट है, हम लिमिट के जरिए से कुछ भी कर सकते हैं। अब ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप जीरो पुट नहीं कर सकते लेकिन जीरो के करीब तो जा सकते हो ना, ये वही कॉन्सेप्ट है। 1/x डिनोमिनेटर में जीरो नहीं पुट कर सकते लेकिन जीरो के करीब जाके तो देख सकते हो ना आंसर क्या आ रहा है, तो हम जरा जाके देखते हैं। आप ये वाली लिमिट निकालो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अपॉन मॉड एक्स, मतलब आप इस डेरिवेटिव में जीरो पुट करना चाह रहे हो और आंसर निकालना चाह रहे हो, जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो के पास जाके देखते हैं। तो अगर आप यहां पे जीरो के पास पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड से जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे इसका आंसर बना रहा है, भैया आप पुट करके देख लो, आप एक्स की जगह 0.1 पुट करो, नीचे भी एक्स की जगह 0.1, देखना आंसर बना रहा होगा। आप एक्स की जगह 0.001 पुट करो, नीचे भी 0.001 पुट करो, आंसर बनाएगा। ये वही चीजें जो अभी मैंने बताई कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे डेरिवेटिव बनाएगा, यहां पे आपने देख लिया।
तो जीरो पे अगर आप राइट से आ रहे होगे तो पॉजिटिव नंबर पुट करोगे ना, आंसर वन आ रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जीरो के पास आप लेफ्ट से आओ तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप ये बता सकते हो इसका आंसर माइनस वन होगा। भाई अगर आप लेफ्ट से आओ जीरो के पास तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो डेरिवेटिव का आंसर माइनस वन है। तो अब आप मुझे बताओ कि जीरो पे क्या होगा, जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? जीरो पे एग्जिस्ट करने के लिए भाई लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। आपने देखा राइट लिमिट वन है, लेफ्ट लिमिट माइनस वन है, आप नहीं बोल सकते। अब मुझे बताओ अगर मैं आपको बोलूं जीरो पे मुझे बताओ क्या डेरिवेटिव आ रहा है, आप क्या बताओगे? आप वन बोलोगे, वन क्यों बोलोगे, माइनस वन भी तो आ सकता है ना। तो यहां पर एक बात ऑब्जर्व करोगे कि मैथमेटिकल चीज ये आपके पास जीरो पे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। अब लिमिट के जरिए से आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आंसर निकालना चाह रहे हो तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं उस वैल्यू के पास अगर पॉजिटिव से आ रहा हूं तो डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, नेगेटिव से आ रहा हूं तो डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि जीरो के ऊपर मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। राइट साइड क्या करते हो, यहां पे एक ओपन डॉट कर देते हो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ओरिजिन पे ना इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ओरिजिन पे ना ये वन है, मैंने ओपन डॉट बना दिया कि लकीर जो है वो वन के ऊपर आ नहीं रही, क्योंकि अगर वन के ऊपर आती इसका मतलब उसकी वैल्यू वन है। तो ओरिजिन पे यहां पे भी ओपन डॉट बना दी, यहां पे भी ओपन डॉट बना दी, ठीक है। दैट्स व्हाई डेरिवेट जो मॉडुलस फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एट पॉइंट जीरो। जीरो के अलावा हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव पुट करो तो वन, नेगेटिव पुट करो तो माइनस वन, लेकिन मसला किसका है, मसला है जीरो का। तो मैंने कॉन्सेप्चुअल वाइज भी आपको बता दिया, मैथमेटिकल वाइज भी बता दिया कि मसला क्या आ रहा है जीरो के ऊपर। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।